इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आजादी के अमृत महोत्सव पर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको कार्यक्रम में पधारे प्रवासियों के साथ साथ इंदौरियंस भी जमकर सराह रहे हैं। उनका कहना है कि अपने देश में आना उनके लिए काफी खास है, क्योंकि यहाँ पर सम्मेलन में आने पर उन्हें अपने राष्ट्र पुरुषों की भी जानकारी मिली है। इन्हीं बातों के बीच साउथ अफ्रीका से आए युवा प्रवासियों और इंदौरी युवाओं से खास बातचीत की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक सौगात भी दी है। जी हाँ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए आज जो रेड कारपेट बिछा है वहाँ पर एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पर हमारे देश के नायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुरानी यादों को संजो कर रखा गया है। इस डिजिटल एग्जीबिशन को देखने के लिए, निहारने के लिए कई सारे यहाँ पर मेहमान आए हैं। कुछ जो हैं वो सात समंदर पार से हैं, जी हाँ साउथ अफ्रीका से हैं, और कुछ हमारे अपने देश भारत से हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कितना उनको यहाँ आकर के अच्छा लगा, और ख़ासतौर पर जिस एरा में हम खड़े हैं, जहाँ पर शिकागो वक्तव्य स्पीच इन शिकागो की बात हो रही है और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर और उनके पुराने यादें यहाँ पर संजो कर रखी गई हैं, उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आने वाली 12 जनवरी को युवा दिवस है जो कि पूरी तरह से समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी को, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपके देश में आपको लग रहा है कि एक देशभक्ति का माहौल है, और दिल में जब तिरंगे के तीन रंग अभिव्यक्त होते हैं तो यहाँ पर इन राजनायकों की याद आ जाती है? तो जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो ये सिर्फ तीन दिन का प्रोग्राम नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, जिस हिसाब से एक माहौल बना हुआ है पूरे त्यौहार का, वो अलग ही लेवल का है। और अभी जब यहाँ पे आती हूँ, मैं खुद यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले रही हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, तो मुझे देख के लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है। हम देश को याद कर रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और हम आगे के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे NRI मेहमान तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए महात्मा गांधी जी से लेकर पाकिस्तान से जो हमने लड़ाई लड़ी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो योगदान है, और स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के आदर्श हैं, क्या कुछ आपको सीखने को मिला इस डिजिटल एग्जीबिशन? काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता पड़ी, मतलब नई क्या, जो हम जानते थे ऑलरेडी, पर यह है कि इसको काफ़ी अच्छे तरह से इन लोगों ने मतलब व्यक्त किया है, या कहना चाहिए हाउ दे प्रेजेंटेड इट वाज वेरी नाइस एंड व्हाट अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। देश को जानने का बहुत अच्छा मौका है। हाँ जी बिल्कुल। यू बोथ आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका राइट, यू आर इंडियंस, व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग्स अबाउट दिस डिजिटल एरा रिगार्डिंग आवर फ्रीडम फाइटर? It's been a great experience, and it's glad to see that India has progressed so much to the extent of having this platform available, and I'm looking forward to the rest of the few days of PVD. Do you want to share some thoughts about our really great freedom fighters? Do you want to share some thoughts? Mahatma Gandhi, I think his lessons are just epitomal to us youth, and I think it's something that we should go by each day. So I'm very proud to be Indian, and it's incredible to be here. How was the Prime Minister's speech about the Indians and about the NRIs? What exactly you feel? I think I would definitely consider coming to India after I complete my studies as a medical student to further my studies in Ayurveda, because I'm really passionate about holistic healing and also about yoga, and really just completely fulfilling your health as patients and bringing about holistic health. Yes. तो आप देख सकते हैं इन चेहरों पर जो मुस्कान है वो स्वदेश में आकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की झलक देखने की भी है, और जो भारतीयों की मुस्कान है वो ये बताती है कि हमें कितना गर्व है कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारे देश के जो नायक हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए योगदान दिया, बलिदान दिया, आज उनको याद करने का एक बड़ा मौका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डिजिटल एरा को तैयार करके दिया है, जहाँ पर अशोक स्तंभ से लेकर तमाम राष्ट्र पुरुषों की कहानियों को संजोकर विशेष तौर पर रखा गया है। NRI कॉन्फ्रेंस के रेड कारपेट से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़।